हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग BCIEL का 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने स्टार्टिंग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन यानी 26 से 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 26 क्वेश्चन है आपका, एक मोनोड काइनेटिक्स या माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बेसिस पे है। आपको म्यू एम दिया हुआ है, आपको के एस दिया हुआ है और आपको एस दिया हुआ है। यानी कि कह रहा है कि आपको म्यू एम की वैल्यू अगर आपकी 0.6 है, के एस आपका 4 है, तो आपको स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ग्रोथ रेट यानी कि म्यू मैक्स आपको निकालना है। कब? जब आपके सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 2 है। तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा आपका, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। सब वैल्यूज पुट कर दिए, सबस्ट्रेट की वैल्यू 2 है आपकी, म्यू की वैल्यू आपकी 0.6 है और के एम या के सी की वैल्यू आपकी 4 है। तो जैसे ही आप सब वैल्यूज पुट करेंगे, म्यू एम की वैल्यू आपकी निकल आएगी। म्यू एम की वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, मैंने सॉल्व की हुई है। ये आपकी म्यू एम की वैल्यू, जो हमने इसमें वैल्यू इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.2 पर आर। तो इसमें आपका ऑप्शन 0.2 पर आर फर्स्ट ऑप्शन आपका सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन आता है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, तो 10 इंटू 9 90, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेटर की एक 25 इनिंग में उसने बनाया है एवरेज 62 रन। तो यानी कि टोटल रन उसके हो गए 25 इंटू 62, और वो कह रहा है कि अब उसको एवरेज अगर इंक्रीज़ करना 65 पे, तो 26 इनिंग में उसके कितने 26 इनिंग में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है। करेंगे कैसे, 25 इनिंग में 25 इनिंग में उसका एवरेज है 62, तो टोटल जो उसने रन बनाया अपने 25 इनिंग्स में वो है 1550। अब वो कह रहा है कि 26 इनिंग में उसका एवरेज होना हो जाना चाहिए 65, तो उस 65 के एवरेज के हिसाब से उसके टोटल रन स्कोर होंगे 1690। तो इस हिसाब से हम 26 इनिंग में वो कितने रन बनाएंगे उसका एवरेज 65 हो जाए, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 140। तो 140 के हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में, ये 29 क्वेश्चन में आपके सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें आपको सीरीज 21 के बाद कोई नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें देखना है, हमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए, वन आ गया पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर से वन आ गया, फिर दूसरा जो थर्ड नंबर है वो इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद आया। वन प्लस वन टू आ गया, फिर टू प्लस वन थ्री आ गया, फिर टू प्लस थ्री फाइव आ गया, फिर फाइव प्लस थ्री एट आ गया, फिर एट प्लस फाइव थर्टीन, फिर थर्टीन प्लस एट ट्वेंटी वन। तो यानी कि नेक्स्ट नंबर आएगा 21 प्लस 13 इज इक्वल टू 34। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको टी ई बफर दिया हुआ है। टी ई आपको बफर बनाना है, उसमें जो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन वो है 200 मिलीमोलर ट्रिस की, और ई डी टी ए की है आपकी 50 मिलीमोलर। लेकिन आपके पास स्टॉक है 0.5 का ट्रिस है और 0.5 मोलर का ई डी टी ए है। तो आपको 1 लीटर अगर आपको ट्रिस बफर, टी बफर बनाना है, तो आपको बताना है कि हम कितना कितना ट्रिस और कितना कितना ई डी टी ए उसमें डालेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें सी वन वी वन का फॉर्मूला लगाना है सिंपल। आपको 200 मिलीमोलर ट्रिस की कॉन्सेंट्रेशन बनानी है 0.5 मोलर से, क्योंकि आपको 0.5 मोलर दिया हुआ है, तो 0.5 मोलर से आपको 0.2 मोलर बनानी है। सी वन वी वन लगाएंगे तो सी वन इज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो 0.5 इंटू वी वन इज इक्वल टू 0.2 इंटू वी टू आपका 1 लीटर हो गया, क्योंकि आपको टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बनाना है। यहाँ से वी वन कैलकुलेट करेंगे आपका 0.4 लीटर यानी कि 400 ml आ जाएगा। जैसे आप 400 ml आएंगे तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका टी ट्रिस के लिए 400 ml दे रहा है। ऊपर एक ही ऑप्शन इसमें 400 ml वैल्यू है, तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आपको दूसरी वाली वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो फॉर्मूला सिंपल है आपका, सी वन वी वन आपकी, उसमें सी वन आपकी 0.5 रहेगी, सी टू आपकी 50 मिलीमोलर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएच निकालना है आपको एक एचसीएल के सॉल्यूशन का, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0.001। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपकी हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग।
जो आपकी पीएच में आपने 11th 12th में पढ़ी है, जब हम HCl को वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का रिएक्शन बनता है, HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो हमारे पास पीएच की एक इक्वेशन है, पीएच हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमने क्लास 12th की केमिस्ट्री में सब लोगों को पता है, इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और पॉजिटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बन रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के चलेंगे इसमें। अब H3O पॉजिटिव की हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इट इज़ इक्वलेंट टू HCl इन दिस केस। तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमारी इक्वल है और जैसे हम इक्वल करते हैं इस वैल्यू H3O की जगह हम HCl की कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हैं, हमारे पास जो दी हुई है 0.01 मोलर, तो माइनस लॉग 0.001 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आता है 3। तो आप इसमें ऑप्शन ढूंढ लीजिए 3, कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन आपका थर्ड ही। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया, ये मुझे समझ नहीं आया कि किसको कैसे सॉल्व करें। उसके बाद 33 भी मैं सॉल्व नहीं कर पाया। उसके बाद आगे चलते हैं, 34th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो जब उसने उसको कोई एग्ज़ाम में उसके पासिंग मार्क्स हैं पी, लेकिन जब उसके 35% आते हैं तो वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, और जब उसके 46% आते हैं तो वो 12 मार्क्स से पास हो जाता है। तो हमें पास मार्क्स निकालने कितने हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको जब हमने देखा कि 35 और 46% में कितना डिफरेंस है 11% का, और मार्क्स में कितना डिफरेंस है आपका 22 मार्क्स का, तो 11% जो आपकी मार्क्स हैं वो इक्वलेंट टू है 22 मार्क्स। इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 1% मार्क्स इज इक्वल टू 2 मार्क्स, और अगर 100% की बात करें तो दैट इज़ इक्वल टू 200 मार्क्स। तो अब हमने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकाल लिए किसी भी एग्ज़ाम के, अब हमें सिर्फ निकालना है कि 35% निकाल लीजिए उसका, और उसमें हम 10 नंबर जोड़ देंगे तो पास मार्क्स निकल आएंगे। 35% और 200 कितना आएगा 70, उसमें हमने 10 नंबर जोड़ दिए तो वो आ गया 80। अब अगर 46 की तरह से निकालना चाहते हैं तो 46% निकाल लीजिए 200 का, और उसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 12 मार्क्स आप उसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको पास मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ये भी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, कि ये थोड़ा मैथ्स वाले क्वेश्चन है, ये अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये मतलब नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जो हमारा फोकस रहता है वो है हमारे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ये भी स्किप कर रहे हैं अभी हम, ये भी स्किप कर रहे हैं। तो हम ये 42 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ये यहाँ से आपके बायोटेक रिलेटेड दोबारा शुरू हो रहा है। अब इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज बोथ ईस्टर एंड अमाइड बॉन्ड। अब इसमें से आपको पता होना चाहिए कि काइमोट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के बाद क्लीव करता है और आपके दोनों ही ईस्टर और अमाइड बॉन्ड पे अटैक करता है वो, तो काइमोट्रिप्सिन आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, TCA की बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं TCA में इन चारों में से कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब सबको पता है TCA या क्रैब साइकिल में NADH2 भी रिलीज होता है, NADFADH2 भी रिलीज होता है और सक्सीनेट भी बनता है, तो ये तीनों तो इसमें आपको कन्फर्म है कि ये यूज ही होते हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व उसमें दिखता नहीं है TCA में, तो हम बाकी तीनों को छोड़कर सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 44। अब इसमें कह रहे हैं कि आपको ल्यूसीफेरिन का रिएक्शन दिखाना है, ल्यूसीफेरिन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ल्यूसीफेरेज की प्रेजेंस में तो आपको क्या बनेगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे याद था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, मुझे याद था कि ल्यूसीफेरिन जब ल्यूसीफेरेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो आपका एक ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बनाता है, बट अब मुझे उसका स्ट्रक्चर याद नहीं था। ऑक्सी ल्यूसीफेरिन मुझे लगता था कि ल्यूसीफेरिन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा कहीं पर तो उसको हम ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बोल देंगे, अब लेकिन उन्होंने चारों ऑप्शन में यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड है, यहाँ पे भी इसमें दो ऑक्सीजन ऐड कर दिए हैं, तो मुझे इसमें कन्फर्म नहीं था। मुझे इतना तो पता है कि बनता क्या है ऑक्सी ल्यूसीफेरिन, बट मुझे उसका स्ट्रक्चर नहीं पता था कि ऑक्सी ल्यूसीफेरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 45, ये कह रहा है कि डीएनए मिथाइलेशन रिएक्शन मीडिएटेड बाय सैम एस एडिनोसिल मिथियोनिन मिथाइल ट्रांसफरेज द न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज इन्वॉल्व। ये भी मेरे को नहीं पता था, इसमें मुझे डाउट था तो मैंने इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, कोरिलेशन कोफिशियंट इज अ नंबर बिटवीन। अब कोरिलेशन कोफिशियंट समझते हैं पहले क्या है। कोरिलेशन कोफिशियंट आपका होता है कि अगर आपके दो वेरिएबल्स हैं, कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, तभी तो वो कोरिलेशन बोल रहे हैं। नाम से पता चल रहा है कि कोरिलेशन है कि दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, एक इंक्रीज हो रहा था दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या कांस्टेंट रह रहा है या इंक्रीज हो रहा है, क्या रिलेशन है, उसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इनकी जो रेंज होती है वो माइनस वन से प्लस वन होती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम, ये कह रहा है कि आपने एक 2 मोलर का NaCl सॉल्यूशन लिया था जो आपके पास 100 ml था, और किसी स्टूडेंट ने उसको हीट पर रखकर छोड़ दिया है, और जब फिर जब उसका वॉल्यूम 50 ml रह गया तब उसने उसको उतारा है। तो जब वॉल्यूम उसका 50 ml हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आपने उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करते तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ होकर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आधा हुआ तो ये हो जाएगा डबल, यानी कि 4 मोलर बन जाएगा। यानी कि अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन आपके NaCl के जो पास है 50 ml रहने के बाद वो आपकी 4 मोलर है। अब वो क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड 1:100 times। जब हमने इसको 1:100 times डाइल्यूट कर दिया 4 मोलर के सॉल्यूशन को, तो अब NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, तो वो कैसे निकलेगी, 4/100। अब ये 4 मोलर है, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मिली मोलर में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 × 1000/100, तो ये क्या आ गया आपका 40 मिली मोलर। 40 मिली मोलर का ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा 48 पे, वो कह रहा है कि pKa आपका किसी एसिटिक एसिड का 4.76 है। तो अब हमें बताना है कि एट वॉट pH वुड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटेट आयन बी द सेम। एसिटिक एसिड यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया और एसिटेट आयन आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अब जब एक और बार हम हैसलबैच हेंडरसन इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वो क्या है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें क्या है कि ये पूछ रहा है कि pH की वैल्यू निकालनी, जब ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, तो ये क्या रह जाएगा, pKa प्लस log 1 आपका 0 होता है, तो pH इज इक्वल टू pKa, तो pKa वैल्यू हमारे पास क्या 4.76, यानी कि pH की वैल्यू भी हमारे पास 4.76 हो जाएगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 49 पे, ये कह रहा है कि अगर आप C14 की हाफ लाइफ है 5760 और हमारे पास 100 mg अगर सैंपल है C14 का, तो वो कितने साल में कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको अगर हम समझे 100 mg से उसको अगर होना है 50 mg, तो उसको कितना समय लग रहा है, 5760 ईयर्स उसको लग रहे हैं, ठीक है। और 50 से फिर क्या होगा, 25 होगा, फिर 12.5 होगा, फिर 6.25 होगा। तो अगर ऐसे आप करते रहेंगे तो ये कभी भी जीरो पे नहीं आएगा, 6.25 के बाद आप उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए 3.125 आ जाएगा, तो ये कभी भी जीरो पे नहीं आएगा। हो सकता है 0.0000002 आ जाए, 0.0000001 आ जाए, लेकिन कभी कंप्लीट जीरो नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम इसको हाफ करते जा रहे हैं। तो आप किसी भी नंबर को शो करें और उसका हाफ करते जाएंगे, कितनी भी टाइम आप करिए, वो आप जीरो पे उसको ला नहीं सकते हैं। तो अब इसमें यही ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है कि ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में कम्प्लीट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो इन तीनों ऑप्शन में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि एक फाइनाइट नंबर तो है नहीं, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट टाइम इसमें ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये कह रहा है कि अ यंग साइंटिस्ट वॉज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग ए डाइपेप्टाइड यूजिंग L-alanine एंड L-glycine, ठीक है। अभी एक साइंटिस्ट कह रहा है उसके पास एक L-alanine है और एक L-glycine है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उससे हम कितने डाइपेप्टाइड बना सकते हैं, कितने टाइप्स के डाइपेप्टाइड बना सकते हैं। तो अब देख लीजिए, आप एक LA ले लीजिएगा, आप LG ले लीजिए, ये आपके पास है, तो LA प्लस LG बन सकता है एक, ठीक है, एक LG प्लस LA बन सकता है, एक बन सकता है LA प्लस LA, एक बन सकता है LG प्लस LG, तो यानी कि 4 टाइप के आपके डाइपेप्टाइड बन सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं इसमें, बाकी के जो मैथ्स वाले क्वेश्चन थे वो मैं दोबारा एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये इस वीडियो में मेरा पर्पस था सिर्फ बायोटेक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।